हेलो दोस्तों, ये है मेरी स्कॉर्पियो NZL नेपोली ब्लैक 4x4 ऑटोमेटिक। और इस गाड़ी में 7 सीटर ऑप्शन मैंने लिया है। इस गाड़ी के साथ में मुझे कुछ एक्सेसरीज लेनी पड़ी, और कुछ एक्सेसरीज कॉस्मेटिकली थी, कुछ कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए थी, कुछ एक्सेसरीज यूटिलिटी की भी थी। तो कुछ ऐसी एक्सेसरीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो मैंने ली है, और कुछ एक्सेसरीज उनमें से ऐसी जो मस्ट हैव है, हर एक गाड़ी में हो तो कन्वीनियंस बढ़ जाएगा, हेल्प होगी आपको, और मोस्टली स्कॉर्पियो के सभी ओनर को एक्सेसरीज पसंद आएंगी। इसके पहले मैं क्रेटा यूज़ कर रहा था, तो उसमें भी मैं बहुत सारी एक्सेसरीज यूज़ कर रहा था, तो वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। इस गाड़ी में भी कुछ चीज़ें ऐसी जो ह्यूंडई ने मुझे बाय डिफॉल्ट दी थी, इसमें मुझे परचेस करना पड़ा। तो शुरू करते हैं ड्राइवर डोर ओपन करके, जो जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी मैं आपको बताऊंगा। इंटीरियर पहले बताता हूँ, फिर बाद में एक्सटीरियर बताता हूँ, क्योंकि एक्सटीरियर में कम चीज़ें हैं जो मैंने लगाई है। एज यू कैन ऑलरेडी सी, स्टोरेज थोड़े थोड़े से कम लगते थे मुझे ड्राइवर डोर में ना उस गाड़ी में। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा छोटा सा स्टोरेज मिल जाता था, हैंडल पकड़ने के लिए था। वहाँ पर मैं हैंडकरचीफ रखता था, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ आई ऑलवेज लाइक टू हैव अ हैंडकरचीफ हियर। सो मैंने छोटा सा नेट यहाँ पर लगा लिया, ये देखो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है। और ये 3M टेप के साथ आता है, लेकिन वो मुझे सफिशियंट नहीं लग रहा था, तो मैंने फेविक्विक लगाया है। और फेविक्विक निशान आप यहाँ देख सकते हो। तो फेविक्विक लगाने के बाद में ये इतना स्टर्डी हो गया है कि ये आराम से टिकता है, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, बहुत महंगा भी नहीं है और बढ़िया लग रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्लीनिंग वीनिंग डस्ट वगैरह करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। ये एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लोथ है, नॉर्मल जो हम लोग एक्सटीरियर क्लीनिंग करते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट वाला माइक्रोफाइबर क्लोथ ये है। तो ये वाला मैंने रखा हुआ है इसको साफ़ करने के लिए, MID का पैनल को साफ़ करने के लिए, और ये जो हमारा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो, और पियानो ब्लैक फिनिश के जितने भी पोर्शंस हैं उन सबको साफ़ करने के लिए सिर्फ वो एक क्लॉथ है। बट ऐसा एक्स्ट्रा क्लॉथ वहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर भी है, ठीक है। और चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये हेडरेस्ट पिलो है जो मैंने फ्रंट के दोनों सीट में लगाए हुए हैं, और साथ साथ में वहाँ पर पीछे भी पिलोज हैं। जो महिंद्रा का कम्फर्ट किट आता है उसमें भी ये सारे पिलोज आते हैं, लेकिन वो 2300 का आता है, बहुत एक्सपेंसिव मुझको लग रहा था। उसके अलावा उस कम्फर्ट किट में इन पिलोज के अलावा वो जो ऊपर पैक दिख रहा है आपको वो भी था, बट वो फिट ही नहीं हो रहा था। एक स्टीयरिंग कवर था लेदर रैपिंग वाला, वो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ZL ली हुई है तो यहाँ पर ऑलरेडी लेदर स्टिच रैप लगा हुआ है। तो मोस्टली 2300 वसूल नहीं हो पाते, जो चीज़ें उसमें मिलती सिर्फ पिलो के लिए लेना वो मुझे सही नहीं लग रहा था, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो मैंने अमेज़ोन से ये ऑर्डर कर दिया, और हर एक चीज़ जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर मैंने महिंद्रा से लिया होगा तो वो चीज़ मैं आपको या महिंद्रा के M12 वाले वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोकली महिंद्रा के शोरूम में सर्विस सेंटर में जाकर के भी ले सकते हो। अब यहाँ पर शिव जी का मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, एक हैंगिंग वाला एक्सेसरी है, और वो जो परफ्यूम है वो आई थिंक एयरविक का है, आई डोंट रिमेम्बर। वहाँ पर आदि योगी जी के भी जो है स्कल्पचर वो मैंने लोकल शॉप से लिए हुए थे, क्योंकि जो अमेज़ॉन से मंगाया वो बहुत ज़्यादा बड़े आ गए थे। फिर ये तो सभी की गाड़ी में रहता ही है, और सनरूफ वगैरह इस नॉर्डन एक्सेसरी। उस तरफ चलता हूँ और आपको वो वाली एक्सेसरी दिखा देता हूँ कि जो कैरी करने के लिए यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शन बहुत कम दिए हुए हैं स्कॉर्पियो N में। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है जब हम लोग आउटडोर टूर पर जाते हैं, सामान ज़्यादा हम कैरी नहीं कर पाते हैं। एक तो ये वाला स्टोरेज आप देख लो, ये जो है छोटा सा मैंने कैरिंग करने के लिए यहाँ पर साइड स्टोरेज रखा हुआ है सीट का, ये डिस्टर्ब नहीं करता, और किसी भी तरफ ड्राइवर साइड में भी उस साइड में भी आप उसको फिट कर सकते हो। वहाँ पर जो है जो हैंड ब्रेक है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग था, तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाने की वजह से जो को पैसेंजर है फ्रंट वाला उसको ये लगाने को थोड़ा दिक्कत होता है, बट ठीक है, वो बार बार ट्रैवल करते नहीं है, तो मुझे लगा कि यही सही जगह रहेगी, तो थोड़ा आगे या पीछे भी शिफ्ट कर सकते हो। एक बार सीट बेल्ट लगा लिया पूरे लंबे टूर पर आपको दिक्कत नहीं आती, तो दिस डजंट डिस्टर्ब अ लॉट, बट यू शुड नो। इसके अलावा एक और एक्सेसरी जो स्टोरेज रिलेटेड है विच मीन्स टू इम्प्रूव आर यूटिलिटी इज दिस वन। ये जो पाउच है इसमें यहाँ पर आप चाहे तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैरी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सनग्लासेस वगैरह कैरी किए हैं, यहाँ पर एक पॉकेट परफ्यूम भी है, मैंने यहाँ पर इलास्टिक दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें आप होल्ड वगैरह करना चाहो तो, सो मे बी यू कैन हैव पेन, टिश्यूज, योर मास्क एट्सेट्रा, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने सैनिटाइजर की एक बॉटल भी रखी हुई है, क्यों, क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह कहीं करते हैं तो वी नीड दिस, सो ये आप रख सकते हो। यहाँ पर एक लिप बाम रखा हुआ है क्योंकि विंटर सीजन चल रहे थे, काम पड़ता रहता है। यहाँ पर हमने कुछ टिश्यूज़ रखे होते हैं अंदर में जनरली, अगर ये टिश्यूज़ ख़त्म हो जाए तो पीछे की सीट पर और टिश्यूज़ रखे हैं पाउच में, वो दिखा दूंगा आपको। सो ये मेन कंटेनर नहीं होता है, बट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एकदम तुरंत काम में आने वाली चीज़ें जो होती हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटीज में रख दी जाती हैं। अब ये ग्लव बॉक्स खोल के आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर एक फोल्डर रखा हुआ है जो महिंद्रा ने दिया था, बट ये एक्स्ट्रा क्लॉथ भी है, ये भी इसके लिए है कि अपन जब चाहे तब इंफोटेनमेंट स्क्रीन को साफ करते रह सकें, डस्ट वगैरह जो आती है। इसको साफ़ करना बहुत ज़रा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है फिलहाल, लेकिन करते रहना पड़ता है।
रोज एक बार जब गाड़ी शुरू करते हैं तो एक बार चालू कर लेते हैं इसको। और ये जो सफाई मैं करता हूँ इसकी, ये गाड़ी बंद होने के टाइम पे करना होता है, क्योंकि अगर वे घुमाते हैं साफ करते वक्त तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं 4x4 के सेटिंग्स, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो ये मैंने क्लोथ वापस यहाँ पर रख दिया। इसमें स्टोरेज के प्रॉब्लम बहुत फील हो रहे थे शुरू में जिस दिन हमने इसको परचेस किया था तब से, क्योंकि ये बॉटल होल्डर वगैरह तो ठीक है लेकिन ये बहुत डीप है। सीट का दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद में वो एक्सेस करना उतना ईजी नहीं जितना होना चाहिए। तो ईजी एक्सेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये इस तरह की कुछ चीज़ें रख दी हैं। अब पीछे के डोर पर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ हमने लगाई। ये है गोदरेज एयर वाला परफ्यूम। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने सुना था कि जो एसी वेंट पर हम लोग परफ्यूम लगाते हैं उसमें ना लीकेज होकर के वो जेल का एसी वेंट के अंदर जाना और इंफोटेनमेंट की कुछ चीज़ों को ख़राब कर देने के चांसेस होते हैं। टाटा की गाड़ियों में मैंने वो सुना था, इसमें सुना नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी सेफ, सो मैंने यहाँ पर वो लगा दिया। यहाँ नहीं तो फिर यहाँ पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग जिनकी 4x4 नहीं, यहाँ पर 2 कप होल्डर मिले तो यहाँ पर रखने वाला भी एक परफ्यूम आता है वो आप लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर एक हैंगिंग आता है इन्वॉल्व का वो लगा कर स्प्रे मार सकते हो। ऐसे बहुत सारे ब्रांड के आने वाले लग गए होंगे अब तो। सो एक यहाँ पर भी आप परफ्यूम देखोगे, ये मेरे पुराने कार परफ्यूम वो जो होते थे वो भी मैं अभी तक कैरी करता हूँ। ये मेरी क्रेटा में भी यूज़ करता हूँ। ऐसे 2 रखे हैं इस गाड़ी के अंदर, एक यहाँ पर एक पीछे में भी कहीं पर रखा हुआ है। अब देखो पीछे का डोर मैंने ओपन किया, यहाँ पर आपको पिलो दिखा देता हूँ। तो ये अच्छे हैं बैक पेन वगैरह के हिसाब से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और वो देखो वहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर का एक पैकेट रखा हुआ है, तो जब जब टिश्यू पेपर वहाँ ख़त्म हो जाते हैं इसमें से 8-10 पीस और निकाल के वहाँ रख दो, तो बेबी या कोई ट्रैवल अगर कर रहे हैं साथ में तो उनके लिए वो कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ पर तो ऐसे और ज़्यादा कुछ लगा हुआ नहीं दिखेगा। मैटिंग के बारे में मैं आपको आखिर में बताता हूँ। मैटिंग मैंने अभी 3D मैट लगाई है महिंद्रा की ऑफिशियल, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी अक्टूबर में तब ज़्यादा एक्सेसरीज के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी, मैं हमेशा इस बूट में बहुत सारे क्लीनिंग के सामान कैरी करता हूँ, हो सके तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्लीनिंग का सामान क्या क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े होते हैं, ये जो कपड़े हैं ना ये 4 के सेट में आते हैं, 250-300 रुपये का सेट है अमेज़ॉन पे, ये 4 रखे हैं। फिर महंगी कंपनी का एक बहुत मोटा वाला 1100 GSM का माइक्रोफाइबर क्लोथ यहाँ रहता है, टॉवेल है वो। जब गाड़ी वॉश करता हूँ, कहीं भी वॉश करूँ, वॉश करने के 2-3 तरीके हैं मेरे, तो कहीं भी वॉश कराऊँ, मुझे अगर खुद को पोछने की इच्छा हुई तो मैं उससे वाइप आउट कर सकता हूँ पानी को। ये 2 कपड़े और ऐसे 2 और कपड़े रहते हैं हमेशा गाड़ी को साफ करने के लिए, एट अ टाइम मुझे 2 से 3 कपड़े लगते हैं, और 2 कपड़े बैकअप में एक्स्ट्रा भी रखता हूँ। वो जो इंटीरियर के 2 कपड़े अंदर रखे हैं वो अलग हैं, एक्सटीरियर की क्लीनिंग के कपड़े अलग हैं। ये जोपासू डस्टर है मेरा, इससे क्लीनिंग कई बार कई वीडियोज़ में करके दिखा चुका हूँ। जोपासू डस्टर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कार क्लीनिंग के मेरे सभी प्रोडक्ट्स की स्पेशल लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो आगे रिलीज़ करूँगा जब भी, तो इसमें डाल दूंगा मैं। अगर चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा वो वीडियो जब आएगा, तो गाड़ी को क्लीन करने के सारे तरीके बताऊंगा। PPF आपकी गाड़ी पर हो या ना हो वो वीडियो देख लेना, आपको गाड़ी क्लीनिंग समझ में आ जाएगी। यहाँ पर है मेरा कार वैक्यूम क्लीनर, बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है ये, इसको हमेशा कवर अप करके रखता हूँ क्योंकि यूज़ करने के लिए इसको हफ्ते में एक बार ही काम आता है, या कभी कोई टूर किया तब काम आता है। ये देखो ये कार वैक्यूम क्लीनर है। अब क्योंकि लंबा वायर है तो यहाँ हमें जो सॉकेट मिला हुआ है एज यू कैन सी, तो उस सॉकेट में 12 वोल्ट के सॉकेट में हम लोग इस कार वैक्यूम क्लीनर को कनेक्ट करते हैं। गाड़ी का इंजन या तो इग्निशन स्टार्ट कर दो, यानी बैटरी स्टार्ट कर दो, वैक्यूम क्लीनर वर्क करने लग जाएगा। तो यहाँ पर लगाओ, फिर यहाँ से उसको यहाँ रख दो, यहाँ से वहाँ ले जाओ, और फिर सारे फ्लोर साफ कर लो, सीट साफ कर लो। इस तरफ से ले जाओगे तो यहाँ से साफ कर सकते हो, इस तरफ से ले जाओगे तो वहाँ से साफ कर सकते हो, और इस जोर से बाहर निकल के वो नीचे जो अपना फुटस्टेप बोर्ड है वो साफ कर सकते हो, बूट पैनल तो साफ कर ही सकते हो। यहाँ पर ये जो है ये वाटरलेस क्लीनिंग का मेरा शैम्पू है, इसको मैंने एक ढक्कन शैम्पू इस बॉटल में डाल करके पूरा पानी से भर देना है और मिक्स करना है, तो ये पूरी बॉटल भरी रहती है, तो वो 2 बार या 3 बार गाड़ी धोने के लिए काम आती है। जब भी मैं जोपासू से ड्राई रसिंग करता हूँ और कुछ पानी के दाग या कुछ चिकड़ से दाग रह जाते हैं गाड़ी में, तो इससे उतने पोर्शन को ही साफ़ कर लूँ तो गाड़ी पूरी शाइन करने लग जाती है। या अगर मुझे लगे कि चलो बहुत डस्ट थी गाड़ी में, अभी डस्टिंग की है, पूरी गाड़ी को शाइन करवाना है, तो ये इससे मैं शाइन करता हूँ। कई लोगों को मैंने गिफ्ट भी किया है ये PPF, जब जो मुझसे भी करवाता है बोलते हैं कि PPF में कुछ मेंटेनेंस की टिप्स दो, तो 7-8 चीज़ें मैं मेंटेनेंस की बताने के अलावा किसी किसी को ये भी गिफ्ट कर चुका हूँ, तो रिस्पॉन्स अच्छा है लोगों का। यहाँ पर देखो ये नया प्रोडक्ट है मैंने जो अभी अभी मंगाया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ये 5 अलग अलग साइज़ के ब्रशेज हैं, क्लीनिंग ब्रशेज, इनको डिटेलिंग ब्रशेज भी बोलते हैं। इसको मैंने मंगवाया है ग्रिल की सफाई के लिए, और जो ग्लास पोर्शंस होते हैं वो एरिया सफाई करने के लिए। दिखा देता हूँ आपको कौन सा एरिया है वो,
जैसे आप देखो यहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं भरी हुई है मेरे इसमें, है ना। ये अभी मैंने कल ही साफ़ किया, पूरी गाड़ी को क्लीन किया था, तो मैंने यहाँ पर भी ब्रश लगा करके पूरी डस्ट निकाली थी। डस्ट बहुत भरी रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो डस्ट की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए वो मैंने ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ थोड़ा फेडेड है, यहाँ थोड़ा सा फेडेड है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक सीलेंट पॉलिश लगाई जाती है, जेल भी आता है, टायर जेल, वो सब चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो जिनकी गाड़ियाँ पुरानी होने लग जाती है, ये प्लास्टिक फाइबर पार्ट जो हैं ये फेड होने लग जाते हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा। क्लीनिंग वाला वीडियो जो आएगा मेरा, उसका वेट करो, टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाड़ी को क्लीन करके ब्रांड न्यू जैसा बनाने के बारे में, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और अब एक्सटीरियर की कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमने एक्सटीरियर में क्या क्या लगाया है। इंटीरियर की तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने बता दी, और जस्ट वन मिनट, इंटीरियर में एक आखिरी चीज़ है, एक बैग है जो मैंने रखा है एक्स्ट्रा का सामान कैरी करने के हिसाब से। देखो ये छोटा सा हैंगिंग बैग है, ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर डेटॉल हैंड वॉश है, हम बाहर जाते हैं तो उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नैपकिन है, कभी कभी यहाँ पर भी कुछ सनग्लासेस वगैरह हम लोग रख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा की रखने के लिए ना सीट पर रखने से अच्छा हम इसमें डाल देते हैं। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख गई और याद आ गई, हर एक चीज़ विंडो पर लगी है, बस ये फ्रंट वाले ग्लासेस की मैंने यहाँ निकाल के रखी थी किसी वजह से। ये विंडो नेट है, महिंद्रा का ऑफिशियल एक्सेसरी है, और शायद ये 2300 समथिंग का आया था ये भी। तो ये मैंने ले लिया था जब मैं टूर पर जाने वाला था किसी, और वो टूर पर जाने के पहले मैंने लगवा लिया था। अच्छा, ये देखो यहाँ पे 6 विंडोज़ जो हैं, 1 2 3 1 2 3, 6 ये विंडोज़, उनके लिए ये पूरा सेट है। रियर ग्लास के लिए नहीं आता है इसमें, मैंने पहले अपनी क्रेटा में भी 2-3 बार ये परचेस करा हुआ था, तो रियर ग्लास के लिए तो अलग से परचेस करना पड़ता था, बट वो गाड़ी अलग है, ये गाड़ी अलग है, इसमें नहीं ज़रूरत पड़ती क्योंकि ये स्ट्रेट है, वो एक हैच टाइप से है। और इस पर्टिकुलर एक्सेसरी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी महिंद्रा ने जो दिया, कि इन्होंने ये अटैचमेंट्स के साथ दिया, ठीक है। तो ये जो दरवाजे के अंदर रबर बीडिंग है या विंडो ग्लास है, उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये थोड़ा दूर लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब दरवाज़ा खोले या बंद करें तो हिलने की वजह से गिरता नहीं है। वो चीज़ की प्रॉब्लम उसमें कई बार हुई मुझे, जिपर भी यूज़ करके देखा, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स यूज़ करके देखी, बहुत तरीक़ों से देखा, रबर बीडिंग में फंसाने वाले टेक्निक से देखा, कोई चीज़ काम नहीं करती, कुछ नहीं टिकता, बट ये टिका है, मज़ा आया इसके साथ में और काफ़ी काम का लगा मुझको ये। 3D मैट जो लगवाए हैं कंपनी से, महिंद्रा डीलरशिप से, उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। 3D मैट है तो अच्छे, ओवरऑल ब्रांडिंग भी है स्कॉर्पियो की तो अच्छा लगता है। क्लीनिंग के है, बस पानी से गीला कपड़ा यहाँ पर साफ़ कर दो तो हमेशा ब्रांड न्यू जैसे चमक जाते हैं, वॉशिंग सेंटर में वॉश करवा लो अच्छे लगते हैं। शेप वगैरह ठीक है, बट दे कुड बी बेटर। दूसरी बात, ये जो वेलक्रो है, ये ज़्यादातर सारे मैट में अच्छे हैं, एक मैट का निकल गया है वेलक्रो, वो वेलक्रो निकल के यहाँ चिपक गया है, तो वो लूज़ हो गया है, बट ठीक है यार, चलो जितना कर सकता था काम वो कर रहा है। कि मुझे प्रोटेक्शन देनी थी इस पोर्शन को, जो फ्लोर है, ये फ्लोर जो है थोड़ा सा डेलिकेट लगता है, और इसमें लैमिनेशन भी नहीं होता, लेदर लैमिनेशन, तो अर्जेंटली मुझे एक मैट चाहिए थे 3D मैट, तो वो लगवा कर मैंने ले लिए। यहाँ दूसरे वाले सीट का भी मैट दिखा देता हूँ, ये देख लो, और रियर सीट के मैट को भी एक बार देख लो, ठीक है। एक बार डोर ओपन करके बता देता हूँ रियर सीट का मैट, और रियर सीट के मैट के अलावा थर्ड रो में भी मैट लगाया हुआ है, क्योंकि ये पूरे 4 रो मैट है, यानी कि कैबिन के 3 रोज और पीछे बूट। ये देखिए यहाँ पर 2nd रो के मैट हैं, इनका भी शेप बढ़िया है, जो बीच का हम्प है, मिडिल रो हम्प, उसको भी बराबर से संभालते हुए गया हुआ है, ठीक है। इसकी क्लीनिंग भी इजी है, इजीली निकल जाता है, इजीली इसको अपना वापस लगा भी सकते हैं। थर्ड रो का मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ये देखो, ये है 3rd रो का मैट, ये भी 3D मैट है, ठीक है, 3D शेप है इसका। और 7D मैट भी आते हैं, 7D मैट में क्या होता है कि आपको डिज़ाइन और बेहतर मिलती है और खूबसूरत मिलता है, क्लासी लगता है, वो मैं बाद में लगाऊंगा कस्टम मेड। ये देखो, ये है 3D मैट इन द बूट, सबसे ज़्यादा साफ़ फ़िलहाल यही रहता है, हम ज़्यादा सामान यहाँ रख ही नहीं पाते तो इसलिए, तो ये है ऐसा। अब यहाँ पे शैम्पू का या पानी का कुछ भी गिरे, साबुन गिरे, खाने पीने की चीज़ें कुछ गलती से गिरे, कोई दिक्कत नहीं है, मैट लगा हुआ है, और मैट में शेप भी दिया हुआ है कि अगर हम मुझे बूट एक्सेस करना हो, हाँ ये यहाँ से इसका दिया हुआ है, तो ये उड़ गया। 2 कैप निकालने का, 3rd कैप ही रबर वाला है, वो निकाल लो, एंड देन यू कैन एक्सेस द स्पेयर व्हील, नहीं तो वो मैट उठा भी सकते हो चाहो तो, बट हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा उसके बिना। तो ये रही अपनी एक्सेसरीज।
एक एसेंशियल एक्सेसरी ये भी है, ये ट्रैश कैन है जो अमेजोन से लिया था मैंने, तो इस पर पुश कर दो तो आप इसके अंदर छोटे मोटे रैपर्स वगैरह डाल सकते हो, टिश्यू पेपर डाल सकते हो और फिर बाद में इसको ऐसे ओपन करके बाकी सारा जो कचरा जमा होता है फेंक भी सकते हो। डेली क्लीन करना पड़ता है अगर आप टूर पे हो, और अगर आप नॉर्मली सिटी में ही घूमते हो तो ये हफ्ते में एक बार भी क्लीन कर सकते हो अगर सूखा कचरा है तो। इस सब के अलावा मैंने मेटेलिक कवर्स भी लिए हैं दोनों पैडल्स के लिए। अब एक्सटीरियर की कुछ एक्सेसरीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने गाड़ी को लेने के बाद दो दिन के अंदर PPF करवा लिया, हाई ग्रेड के बहुत ही हाई ग्लॉसी PPF TPU जो इंपोर्ट करके हम लाते हैं, कोरियन इंपोर्टेड PPF और जर्मन इंपोर्टेड PPF, वो मैंने अपनी गाड़ी में उनमें से एक लगा लिया था, जिसकी वजह से गाड़ी का ग्लॉस बहुत बढ़िया है, मिरर फिनिश बहुत बढ़िया है, और ये ऑटोमेटिक सेल्फ फिलिंग वाला PPF है, ये USA इंपोर्टेड PPF होता है और इसकी शाइन बहुत अच्छी है और 2-2.5 लाख रुपये लगभग का मिलता है डीलर के पास में। हमने इसको खरीद कर इंस्टॉल करवाने का खर्चा लगभग 65-70 हज़ार में करवा लिया, और उसको लगाने के बाद शाइन प्रोटेक्शन सब बढ़ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, जब भी गाड़ी साफ करो ब्रांड न्यू से बेहतर लगती है। कई लोगों ने मेरे से एक महीने बाद गाड़ी ली, उनसे बेहतर गाड़ी मेरी लगती है। ये हो जाने के बाद में मैंने क्रोम एक्सेसरीज का काम शुरू किया, और ये जो नंबर प्लेट है उसको निकलवा के दोबारा लगवाया था, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये है फ्रंट ग्रिल वाली क्रोम। कई लोग पूरा क्रोम का किट परचेस करते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, वो मुझे थोड़ा सा ओवरडन लग रहा था तो मुझे वो नहीं अच्छा लगा। कुछ लोग डी क्रोम करने बोलते हैं, मुझे डी क्रोम नहीं चाहिए, मुझे सटल क्रोम चाहिए। तो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट जितना दिया उसमें सिर्फ मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगी, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन देती है दूर से, सामने से देखो तो बहुत अग्रेसिव लगता है ग्रिल। उसके बाद में आप देखो, मैंने कहीं पर भी क्रोम नहीं लगवाया सिवाय इसके। ये मिरर क्रोम है, ये मैंने उसमें भी लगवाया था और इसमें भी लगवाया, मुझे अच्छा लगता है मिरर क्रोम। दूसरा, वो ना थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी होता है, मिरर डायरेक्टली किसी गाड़ी के साथ कांटेक्ट कर लेता है कभी कभी, अपन बहुत कंजेस्टेड ट्रैफिक में चल रहा हो तो मिरर से पहले ये टच होगा। वैसे मिरर पर भी PPF लगा हुआ है, बट उसके भी ऊपर ये लग गया, तो ये ठीक है, बदल सकते हैं, बार बार PPF कौन बदलता रहेगा। और बाकी तो गाड़ी में खुद का जो क्रोम लगा हुआ था वही लगवाया है, वो डोर क्लाइडिंग वगैरह पर भी क्रोम लगवाते हैं लोग, आर्चेस पर क्रोम लगवाते हैं, फ्रंट हेडलाइट पर, टेल लाइट पर क्रोम लगवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, तो मैंने वो नहीं लगवाया। यहाँ पर अगर क्रोम लगाकर मिले तो मैं लूँगा, लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं दिखा, मुझे 2 पीस का यहाँ दिखा था बट वो मुझे नहीं अच्छा लगा, बाकी सब ठीक है। PPF लगवाया मैंने, उसके बाद में नंबर प्लेट को निकलवा के दोबारा लगवाया। यहाँ रिवेटिंग सिस्टम से नंबर प्लेट लगती है सबकी गाड़ी में, वो लगती है, तो उसको ड्रिल से निकलवाया। PPF पूरा इंस्टॉल हुआ, आप देख सकते हो ये पूरा PPF जो है इंस्टॉल हुआ है, वन बॉडी PPF है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन बॉडी PPF। इसके लिए इसको भी निकाला गया था, इसको भी निकाला गया था, इन चीज़ों को निकाला गया था, 4Xplore की बैजिंग को निकाला गया था, वन बॉडी PPF लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, इसके अंदर तक PPF कोई कट नहीं है, तो वो फिनिश बहुत अच्छी आई है उसकी वजह से। तो ओवरऑल एक्सटीरियर में कितने एक्सेसरीज लगाई है हम लोगों ने, फ्रंट में क्रोम, ग्रिल के नीचे ORVM का क्रोम, और एक एड ऑन अच्छी सर्विस वाला एक प्रोडक्ट है, ये NGF 132 का पार्किंग टैग, और ये मैंने कई वीडियोस में दिखाया हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी गाड़ी पार्क करो तो डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम किसी को ना होने लग जाए, या कोई टो करने ना लग जाए, या कोई टायर पंक्चर ना कर दे, तो यहाँ पर स्कैन करके वो मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जा करके अपनी पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आगे के विंडस्क्रीन पर एक लगाया है, पीछे के विंडस्क्रीन पर एक लगाया है, जिसको जो दिक्कत हो वो आके मुझे कांटेक्ट करे। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो मैंने लगाई है लेटेस्ट में वो है मड फ्लैप, क्योंकि उसकी वजह से गाड़ी में गंदगी बहुत हो रही थी बाहर की तरफ, तो मैंने जल्दी से लगवा लिया है और कम खर्चे में वो हो गया महिंद्रा डीलरशिप में। तो इस तरह से एक्सेसरीज लगी हुई हैं गाड़ी के अंदर सारी, और आगे एक वीडियो ऐसा भी आएगा जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं हेडलाइट का क्या करने वाला हूँ, जो स्टॉक बल्ब्स हैं लो बीम और हाई बीम के, उनके साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, बल्ब चेंज करने वाला हूँ या नहीं, फोग लैम्प में क्या कर सकते हैं वो देखूंगा, ग्रिल पर मुझे ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा लैम्प लगाने का मौका मिले तो मैं वो भी देख लूंगा। बट सो फार ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको एग्जिस्टिंग एक्सेसरीज सारी बता दी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।